पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे आली आपका क्या होगा। मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वागी शर, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट बधाई हो। सुपर मॉडल, एक्टर, प्रोड्यूसर, टीवी होस्ट, बॉडी बिल्डर, अरे क्या कहें उनको, हर मामले में परफेक्ट जो है। जी हाँ, वे कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल है। और आज उनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर आज तो उनके कुछ यादगार किस्से बनते हैं। आज भी 47 साल की हो गए हैं। अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के बीच लड़ाई के बाद अर्जुन अपनी माँ के साथ रहते थे और उसी स्कूल में पढ़ाई करते थे जहाँ उनकी माँ टीचर थी। अर्जुन ने 1998 में मेहर जेसिया से विवाह किया। इनकी दो बेटियां मायरा और महिका है। अर्जुन रामपाल ने सोचा नहीं था कि उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन एक दिन वे डिस्को में बैठे हुए थे और उनका अंदाज पसंद आया मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल को। जैसे ही रोहित की नजर अर्जुन पर पड़ी, उन्होंने अर्जुन को मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। अर्जुन ने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग का करियर चुना था। एक वक्त पर अर्जुन रामपाल को भारत के सुपर मॉडल की श्रेणी में रखा जाता था। साल 1994 में अर्जुन को सोसाइटी फेस ऑफ द ईयर चुना गया था। साल 2001 में राजीव राय की फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से अर्जुन ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। प्यार के कच्चे धागे की इस डोर से एक दूजे को चल बांध ले जोर से। इस फिल्म के साथ अर्जुन ने क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों का दिल भी जीत लिया। उसके बाद अर्जुन रामपाल की फिल्म आई दीवानापन, जिसमें उनके साथ दिया मिर्जा नजर आई थी। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं चल पाई, लेकिन अर्जुन को एक्टिंग के लिए दर्शकों का प्यार खूब मिला। इसी बीच अर्जुन की बहुत सी फिल्में आई, लेकिन अर्जुन की फिल्म हमको तुमसे प्यार है, जिसमें उनके साथ अमीषा पटेल और बॉबी देओल नजर आए थे, इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे। फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था, लेकिन उन्हें पहचान मिली 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम फिल्म से। हालांकि इस फिल्म में वह उन्होंने विलन का किरदार निभाया था। इसके बाद 2008 में उनकी फिल्म रॉक ऑन आई फिल्म में दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया था। उनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। साथ ही अर्जुन ने वादा, आईसीयू, असंभव, यकीन, रॉय, चक्रव्यूह, इनकार, डैडी, अनकहीं, दिल है तुम्हारा, डॉन, ओम शांति ऑन, रॉक ऑन, हाउसफुल, राजनीति और रावण जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। अर्जुन ने कई अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अर्जुन की लव लाइफ की यदि बात करें तो अर्जुन रामपाल और मेहर जेसिया के तलाक के बाद माहिका और मायरा अपनी माँ के साथ ही रहती हैं। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद अर्जुन रामपाल साउथ अफ्रीकन मॉडल और एक्ट्रेस गैब्रिएला को डेट कर रहे हैं और इसी साल उन्होंने एक बेटे को जन्म भी दिया है। हालांकि अर्जुन रामपाल ने अभी तक गैब्रिएला से शादी नहीं की है। खास बात यह है कि जब गैब्रिएला ने बच्चे को जन्म दिया तो अर्जुन रामपाल की दोनों बेटी भी उनसे मिलने आई। गैब्रिएला पिछले साल सेक्सीस्ट FHM की 100 सबसे सेक्सीस्ट महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई थी। तो ऐसी है अर्जुन रामपाल की लाइफ। वे हमेशा बॉलीवुड के सुपर मॉडल रहे हैं और हमेशा रहेंगे। टैलेंटेड इंडिया की पूरी टीम की ओर से अर्जुन रामपाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।